हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सांवर की रेसिपी। बिना किसी मेहनत बिना किसी परेशानी सिर्फ 10 मिनट में इंस्टेंट सांवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि टेस्टी सा सांवर। सांवर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 1 कप तूर दाल। कुछ लोग इसे तूर दाल तो कुछ लोग इसे अरड़ दाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें दाल को भिगाना है। तो भिगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक बोल, और बोल में सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें खूब सारा हम पानी ऐड कर देंगे और दाल को हम इसी तरह से भिगा कर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने दाल को आधा घंटे के लिए भिगा दिया है। बाउल छोटा लग रहा था तो मैंने बड़े बाउल में दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब दाल हम आधे घंटे बाद चेक कर रहे हैं, दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। और अब इसे 3 से 4 बार हम वॉश कर लेंगे। तो 3 से 4 बार हमने पानी से अच्छे से दाल को वॉश कर लिया है और अब देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा कलर था वो सब निकल गया है। अब यहाँ लिए हैं हमने कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लौकी, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, बैंगन, थोड़ी सी गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, टमाटर की प्यूरी बना ली है। तो यहाँ ली है थोड़ी सी हमने इमली। तो इमली से बहुत ही अच्छा सावर में टेस्ट आता है। तो इमली को हमें भिगाकर छोड़ देना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद इसी तरह हम इमली को छोड़ देंगे जब तक हमारी सावर बनती है। इसे हम भीगने देते हैं। हमें इमली का पल्प चाहिए। अब यहाँ ले रहे हैं एक कुकर। कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है। इसी के साथ यहाँ ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा राई या सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और यहाँ हमने 2 बारीक कटी हुई प्याज ली है, ये भी ऐड कर देंगे। और प्याज को बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 मिनट लो मीडियम गैस पर हम भून लेते हैं जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। इसी के साथ यहाँ ऐड कर रहे हैं 2 टमाटर की हमने प्यूरी बना कर रखी थी, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे, सांभर मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसी तरह चलाते हुए सभी मसालों को भून लेते हैं। और 2 से 3 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है, ऑयल बिल्कुल मसाले ने छोड़ दिया है। अब इसी के साथ यहाँ ऐड कर देंगे हम सारी सब्जियाँ। जो मैंने गाजर काट कर रखी थी, शिमला मिर्च, थोड़े से हमने बैंगन को बारीक चॉप किया है और गोभी भी इसमें ऐड कर देंगे, लौकी। और अब जो हमने दाल भिगाकर अच्छे से पानी से वॉश करके रखी थी, दाल भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम समय में आप इस तरह से सांभर बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम खूब सारा पानी ऐड कर देंगे ये मेरे पास बड़ा बोल है, ये भरकर मैंने 2 बोल इसमें पानी ऐड किया है और ये एक और, ये 3 टोटल 3 बोल मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 सीटियाँ इसमें हम लगाएंगे, ढक्कन को बंद कर देते हैं और 4 से 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं हमारी इमली अच्छे से भीग गई है, इसका पल्प अच्छे से अलग हो गया है। अब ये सारी इमली को हमें इस पानी से निकाल लेना है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे। ये देखिए
सावर बनाने के लिए इमली का ये पानी हमें निकाल लिया है। कुछ भी इम्प्योरिटी ना रहे इसके लिए हमने यहाँ लिए एक छलनी और इस छलनी में हम ये सारा इमली का पानी जो है ये छान लेते हैं। अब जो इसमें ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कुछ गंदगी होगी वो निकल जाएगी और आप देख सकते हैं इमली के कुछ छिलके होते हैं वो भी इस छलनी की हेल्प से निकल गए हैं। और अब ये इमली का पानी बिल्कुल रेडी है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 4 से 5 सीटियाँ आ गई हैं हमारी दाल और सब्जी में। और आप देख सकते हैं दाल और सब्जियां बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब यहाँ लिया है एक पैन और इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ ऐड करेंगे थोड़े से सरसों के दाने, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच सांभर मसाला। और अब ये स्पेशल तड़का सांभर में डालने के लिए रेडी है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसी के साथ जो हमने इमली का पानी तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप एक बार मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय कीजिए ये टेस्टी सा सावर।